अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या स्टेटिस्टिक्स का वो पार्ट जो इकोनॉमिक्स में बेशतर अवकात इस्तेमाल होता रहता है, आज हम सीखेंगे और समझेंगे। उमूमन ये सवाल जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी उमूमन इस तरह के सवालात आए दिए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो BPS 17 की पोजीशंस के लिए लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स हो या इवन लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स हो या असिस्टेंट डायरेक्टर इन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट और इन डिफरेंट सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स BPS 17 की जो पोजीशंस के लिए टेस्ट बनाए जाते हैं, तो उस टेस्ट में एक पोर्शन मैथमेटिक्स का या अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी रखा जाता है। तो इसी से इन पैरेलल टू दिस ये वीडियो या इस तरह का वीडियोज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला मैंने रखा है, और जिसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे, पर्टिकुलरली ओरिएंटेड फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव जस्ट रिसेंटली अप्लाइड फॉर डिफरेंट पोजीशंस एंड दे वांट टू विन ओवर देयर, या वो स्टूडेंट्स जो भी काम की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी, या जिन्होंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हो या मास्टर्स इन कॉमर्स में किया हो और किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर रखा हो, तैयारी में हो, उन तमाम स्टूडेंट्स को मुझे उम्मीद है ये वीडियो फ़ायदा देने वाली है। आए देखें हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमें एक सवाल दिया हुआ है और इसी सवाल की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ेंगे। आए देखें क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा जो आपको ग्रुप फॉर्म में दी है, इसी डेटा में से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज वेल द मीन आपने मालूम करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको जो डेटा दी है इसमें फर्स्ट में आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, और क्लास इंटरवल 50 to 59, ये आप देख रहे हैं 50 to 59 एंड 60 to 69 एंड सो ऑन। इसी तरह आपने इस टेबल को जो बना ली है, इसमें जो चीज़ें आपको मिली हुई थी वो सिर्फ दो थी, एक क्लास इंटरवल और दूसरी फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें आपको मिली हुई थी, ये फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, और ये मिड वैल्यू आपने मालूम की है, ये मिड वैल्यू भी आपने मालूम की है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी भी आपने मालूम की है, एंड मिड वैल्यू का स्क्वायर प्रोडक्ट विथ फ्रीक्वेंसी ये भी आपने मालूम किया है। तो अब आपको जो चीज़ें गिवन थी वो सिर्फ दो थी, एक फ्रीक्वेंसी एंड जो वैल्यूज़ फॉर क्लास इंटरवल। तो इन दो की निस्बत से आपने मालूम करना था स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं क्योंकि आप मीन मोड एंड मीडियन वगैरह में मालूम कर चुके थे कि हम लोग जब भी क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है तो आपने उसकी मिड वैल्यू जाके मालूम करनी होती है। तो मिड वैल्यू का प्रोसीजर आप जानते हैं कि दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मिड वैल्यू मिल जाएगी। जिस तरह 50 प्लस 59 तो ये हो जाएगा
आपका 109 और इसको आपने इसको डिवाइड किया 2 से तो आपको इसकी मिड वैल्यू मिली। और इसी तरह 60 to 69 या फिर यूँ करें कि ये मिड वैल्यू मालूम करने का एक दूसरा तरीक़ेकार भी आप देख लें ज़रा, ये आप जानते हैं 50 and 51 52 53 54 55 56 57 58 and 59। तो ये कितने नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी 2 4 5 नंबर्स हैं और नीचे भी आपको 5 नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें आपने जो मिड वैल्यू मालूम करनी होगी, मिड वैल्यू कौन सी होगी, एक 55 और दूसरा 54, इन दोनों को जमा करेंगे तो इन दोनों का जमा क्या आएगा, 54 + 55 यानी ये 9 और ये 10, 109। 109 को आप यानी नियरली समझ लें कि 110 है तो नियरली मिड वैल्यू हो जाएगी आपकी 55। या फिर आप जिस तरह करते थे कि आप दोनों को जमा कर लें यानी 50 + 59 ये हो गया 109 / 2 = 54.5 जो कि नियरली हमने अप्रोक्सीमेट करके ये वैल्यू रखी है। तो इसी तरह ये आपने मिड वैल्यूज मालूम कर ली। और स्टूडेंट्स मिड वैल्यू मालूम करने के बाद जो आपने करना है वो सिंपल ये कि फ्रीक्वेंसी भी आपने मालूम कर ली है, मिली हुई है आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट द वैल्यूज यानी ये आपको 165 मिली, यानी आपने फ्रीक्वेंसी को 55 से मल्टीप्लाई किया है। फिर इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ये आपने कॉलम बना लिया। इसके बाद आपने एक्स स्क्वायर मालूम करना होगा, इसमें एक कॉलम बढ़ाना था एक्स स्क्वायर का, एक्स की वैल्यू आपको मिली हुई है जिसको आप मिड वैल्यू कह रहे हैं, इसी का स्क्वायर आपने यहाँ पर लिखना था। तो इसी का स्क्वायर यानी 55 है, 55 का स्क्वायर इधर लिखें, फिर 65 है, 65 का स्क्वायर, 75 है इसका स्क्वायर, फिर 85 है इसका स्क्वायर, 95 इसका स्क्वायर, ये जमा कर देंगे। फिर इनको आपने क्या किया है इस टेबल में, इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, फ्रीक्वेंसी क्या है 3 और इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी यानी आप 55 का स्क्वायर आपने किया है, स्क्वायर यानी 55 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगी वो यहाँ पर रखेंगे, उस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह आप इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इनका सबका जो जमा होगा इसको आप नाम दे रहे हैं सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, और इसको आप नाम दे रहे हैं सम ऑफ एफ एक्स, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ एफ। तो ये तीनों आपने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा, लेट अस सी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की सिंबल ये है इज इक्वल टू अंडर रेडिकल और सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर अंडर रेडिकल। या फिर इसी को आप दूसरे फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस ये पूरे का मीन रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मीन है, सम ऑफ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये मीन है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ ये मीन है और मीन का आपने स्क्वायर इसमें से माइनस किया है और उसका
रेडिकल निकाला है, इसका अंडर रेडिकल निकालेंगे। तो ये आपका फार्मूला रहा स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने का। इसमें मीन मालूम करने का जो फार्मूला रहा वो आप मीन को बिलफर्ज आप एक्स मीन लिखते हैं ये, तो ये सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे और ये आपका रहा मीन। यानी मीन की वैल्यू आपको क्या मिली है, मीन की वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी कितनी वैल्यू मिल रही है, 3895 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 47 है, तो ये आपका मीन रहा। यानी आप इनको कैलकुलेट करें, इनका जो जवाब आपको मिलेगा यानी 82.8, ये आपका मीन रहा। मीन आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज़ योर आंसर फॉर मीन। इसी तरह फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो फार्मूला लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे, और वैल्यू पुट की आपने 329975 डिवाइडेड बाय 47, वो जो वैल्यूज आपने उसमें कैलकुलेट की थी वही वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करेंगे। ये जो टेबल आपने बनाई है इसमें आपने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3329975, सम ऑफ एक्स की एंड सम ऑफ एफ की, तो यही वैल्यूज आपने वहाँ पर जाके पुट करनी है और इसमें आपने कैलकुलेट की एंड यू गॉट द रिज़ल्ट। ये क्या मिली, इनको डिवाइड किया 7020.7, 82.8 इसका स्क्वायर निकाला और इसकी रिज़ल्ट ये मिली, इनका स्क्वायर रूट निकाला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना मिला 12.7, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया 12.17, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन आपको कितना मिला, मीन एक्स बराबर हुआ किसके, इसको डिवाइड किया आपने एंड यू गॉट 82.8, ये मीन रहा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको मालूम करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कैसे मालूम करेंगे, वेरी सिंपल, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिला है आप लोगों को, 12.17 डिवाइडेड बाय, और मीन कितना मिला है 82.8, और इसको आप डिवाइड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और इसकी जो भी रिजल्ट आती है ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। वो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने एंजॉय किया होगा। अब इसमें से एक एमसीक्यूज़ के हवाले से किस तरह के सवाल जो है उमूमन बनाए जा सकते हैं या उमूमन पूछे जाते हैं, वो सवाल जिनमें अक्सर अवकात स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, तो रिमेंबर दिस के आपसे सवाल पूछा जाए फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 एंड मीन इज 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 1/1 और मीन है 2 × 100, यानी ये बना आपका 50% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहा। यानी इस डेटा में, इस डेटा की जो वेरिएशन का जो कोएफिशिएंट रहा वो 50% रहा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपसे इस केस में यूँ भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोई आपको डेटा गिवन हो और किसी डेटा का बिलफर्ज आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसने दिया है 40% और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0 एंड मीन दिया है
ट्रेन, बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन आपसे मालूम करने को चाह रहे, तो अब आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एक्स मीन, यानी यहाँ पर आप यूँ भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट वेरिएशन इनटू मीन को आप ए से फर्स्ट शो करते हैं डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिला हुआ है आपको, ज़ीरो। और आपको मालूम क्या करना है, मीन ही मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप गलती कर रहे हैं, ये वेरी सिंपल, आपको जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिले हुए हैं तो आप ये फार्मूला पहले ये रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, मालूम आपको क्या करना है, मीन करना है, यानी ए या एक्स मालूम करना है। तो आपने लिखा ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, ज़ीरो था, तो इसका मतलब इसका मीन भी ज़ीरो होगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो है और मीन भी ज़ीरो है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 40% पॉसिबल नहीं था। तो सिंपल ये कि इस तरह के मुख्तलिफ सवालात जो है वो डेटा में से जो आपकी ग्रुप डेटा है या आपको यूँ दे दिया जाए, वेरी सिंपल कि ये एक नंबर की सीरीज है 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन है 3, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आप मालूम करें। या फिर यूँ दिया जाए कि जो कंटिन्यू डेटा होती है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एक सवाल है। तो ये एक इनसाइट है कि इनसाइट इनसाइटफुल स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक्स सर्चिंग डिफरेंट MCQs, और अपने जहन को खोलने के लिए मुख्तलिफ तरीके के घुमा फिरा कर पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देने के लिए काबिलियत के हुसूल के लिए आपको थोड़ा इस डायमेंशन में इस वे से मेहनत करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे IQ सिंध पाकिस्तान चैनल, एंड यू विल प्रोवाइड ए वे ऑफ प्रोमोशन फॉर चैनल सो दैट वी मे बी कंटिन्यूइंग द अपलोड ऑफ सच टाइप ऑफ इंसाइटफुल टॉपिक्स। Hope we will see the next video by tomorrow.